हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट हमने जो वीडियो देखा था उसमें ब्रिक कैलकुलेशन के बारे में मैंने बताया था कि मैन्युअली हम ब्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ब्रिक का हमको नंबर्स ऑफ ब्रिक कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सैंड सीमेंट कितनी लगेगी, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। आज उसी कैलकुलेशन को हम एक्सेल शीट में कैसे करते हैं। जैसे आपने ये जो हमारा देख रहे हैं, इसमें आप जो भी ब्रिक का साइज डालिए, जैसे ब्रिक का साइज अभी मैंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, लेंथ लिया 1 मीटर और उसकी हाइट ले ली 2 मीटर और थिकनेस भी 1 मीटर अप्रॉक्स ले लिया, मतलब 2 MQ का कर लेता हूँ। हमारे ब्रिक की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 100 आ रही है, जैसा आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, यहाँ से आपको पता चल गया। तो ये चीज़ हमने बनाया कैसे, मैं ब्रिक की नहीं, ACC ब्लॉक, फ्लाई एश ब्रिक, डिफरेंट साइज ऑफ ब्रिक, जो भी आपके यहाँ ब्रिक मिलता है, हर जगह एक जैसा ब्रिक नहीं मिलता है। किसी की थिकनेस, किसी की वेट, किसी का लेंथ अप्रॉक्स कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो आप जस्ट वो जो भी आपके यहाँ ब्रिक मिलता है उसका आप यहाँ पर डायमेंशन डालिए, ब्रिक वर्क आपको कितना करना है, मोटार का रेशियो क्या लेना है, आप वहाँ पर अपने मोटार की थिकनेस क्या दे रहा है, मतलब जो बिटवीन टू ब्रिक्स क्या दे रहा है, आप यहाँ पर चेंज करिए, उसके अकॉर्डिंग पूरी यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी कि वेट कंडीशन में क्या आएगा, ड्राई कंडीशन में क्या आया, बैग्स कितने लगे, सीमेंट कितनी लगी, ये सब यहाँ पता चल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर बनाना काफ़ी ईजी है। तो इसको बनाने के सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि आप एक लेआउट रेडी कर लीजिए, मतलब आपको क्या क्या कैलकुलेशन चाहिए, मतलब कौन कौन से आउटपुट चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट का अलग सेक्शन बना दिया, ये पूरा इनपुट का है मेरा, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट का है, तो मैंने अलग अलग बना दिया। तो चलिए सब डाटा डिलीट कर देते, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जो फॉर्मूले लगे हैं, यहाँ पर ये सब फॉर्मूले डिलीट कर देता हूँ, ये जस्ट मैंने पूरे फॉर्मूले डिलीट कर दिए। ये जस्ट मेरा यहाँ एक भी फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा हुआ, वो जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ सम पे लगा हुआ है, तो ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। जितने जगह फॉर्मूले लगे थे मैंने डिलीट कर दिया। देखिए ब्रिक वर्क में मैंने जैसा कि मैनुअली में आपको जो बताया था, ब्रिक वर्क में निकालना है अगर आपको मोटार की क्वांटिटी, तो क्या करना है, जैसे एक ब्रिक आपने ले लिया मोटार लगा हुआ, एक ब्रिक लिया आपके मोटार नहीं लगा हुआ, तो जस्ट क्या करना है कि आपको जो भी वॉल्यूम आया विथ मोटार से, विदाउट मोटार वाले ब्रिक को माइनस कर दोगे तो आपको मोटार की क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट सिंपल इसी तरह हमको क्या करना है कि हमने जो आउटपुट डाटा लिया है उसमें हमको क्या चीज़ निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार, ठीक है। तो विदाउट मोटार करने के लिए हमको क्या करेंगे, इस सेल में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये कलर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिसेबल कर देता हूँ। कलर कहाँ से डिसेबल करेंगे, जस्ट क्या करना है, जो भी सेल में आपको कलर चाहिए या हटाना है, जस्ट वहाँ क्लिक करिए, ये होम पर आएंगे तो आपको ये बकेट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप नो फिल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सभी जो इनपुट वाले डाटा है उसको नो फिल कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर दिखे। आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है, ब्रिक का विदाउट मोटार। तो विदाउट मोटार हमारा ये जो साइज है ब्रिक का, ये विदाउट मोटार ही है, विथ मोटार नहीं है, ठीक है, हमने विदाउट मोटार ही लिया है। तो जस्ट इक्वल टू का साइन, यहाँ पर आपने डाटा चूज किया क्योंकि आपको डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है, डाटा स्टैटिक नहीं है, डाटा यहाँ से उठाना था, आपने ये उठाया, इनटू का साइन लगाया, फिर यहाँ से डाटा दूसरा चूज किया, फिर इनटू का साइन लगाया, मतलब स्टार, फिर इसको करके इंटर कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया, और जो भी हमारी वहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमने जो 3 वैल्यू लिखे, वो 3 वैल्यू के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। अब हमको वॉल्यूम चाहिए किसका, एक ब्रिक का, लेकिन विथ मोटार। तो विथ मोटार मतलब कि मोटार की थिकनेस हमने क्या चूज़ किए, यहाँ से चूज़ किए, ये भी आप बदल सकते हैं, जैसे आपको 10 mm नहीं देना है, 15 mm देना है या 20 mm देना है, तो जो भी होता है। तो आप ये भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे लेंथ पहले, तो लेंथ चूज़ किया, और इसमें प्लस करेंगे क्या, हमारा मोटार का थिकनेस, हमारा मोटार का थिकनेस क्या है, यहाँ पर जस्ट इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर आप स्टार लगा के क्या लगाइए, मल्टीप्लाई, फिर आपने विड्थ ले लिया, सॉरी आपको पहले ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट लिया, विड्थ लगाया, इसमें आपने प्लस कर दिया क्या, वही अपना थिकनेस, तो किसके मोटार की, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर इनटू किया, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर लिया हाइट, ठीक है, फिर इसमें प्लस किया क्या, मोटार की थिकनेस, फिर आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटरप्रेस किया, तो क्या आ गया हमारा 0.002। ये किसका वॉल्यूम आया, हमारा एक ब्रिक का आ गया, हमको एक ब्रिक का जो वॉल्यूम वो पता चल गया, विदाउट मोटार और विथ मोटार। अब देखिए, अब तीसरा मेरा ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, ठीक है। अब ब्रिक वॉल का वॉल्यूम कैसे निकालना है, जैसे आपको पता ही है लेंथ हाइट और जो भी उसका विड्थ है, मतलब थिकनेस है, आप वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। यहाँ से हमने लेंथ ली, मल्टीप्लाई किया, फिर हाइट लेंगे, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर थिकनेस लेंगे। अब जो भी आपका ब्रिक वर्क में जो भी वैल्यू डालेगी, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका निकल जाएगा, इंटरप्रेस कर देंगे। तो ये जैसे हमारा वॉल्यूम निकल गया क्या, 2, ठीक है, किसका, ब्रिक वर्क का। अब
हमको नंबर ऑफ ब्रिक काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक जब किसी भी वॉल का हम काउंट करेंगे तो विद मोटार ही काउंट करेंगे, ठीक है, विदाउट मोटार नहीं, क्योंकि जब ब्रिक बनती है तो उसमें मोटार भी यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, ब्रिक वर्क की वॉल्यूम हमारा 2 है, इसमें डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, हमारे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार, तो विथ मोटार से हम माइनस कर देंगे, मतलब सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे कितना निकल गया। जैसे एक जनरली होता है ना कि 1 MQ में कितना ब्रिक लगता है, तो 1 MQ में 500 नॉस लगते हैं ब्रिक के, हम यहाँ 1 MQ क्रिएट करते हैं, तो मैंने 1 लिया, यहाँ पर 1 लिया, तो हमारा वॉल्यूम क्या है, 1 MQ आया, नंबर ऑफ ब्रिक क्या है, 500। अब हमको निकालना है किसका, मोटार की क्वांटिटी, मोटार की क्वांटिटी निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिएगा आप, अगर आपने मेरा मैनुअल कैलकुलेशन देखा होगा, ये पूरे ब्रिक वर्क को अगर आप सीखना चाहते हैं मैनुअली, तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का और वेबसाइट पे भी मैंने इसका डाला हुआ है पोस्ट, तो आप दोनों जगह की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से लिंक फॉलो करके आप उस जगह पे पहुँच सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। एक वॉल है जिसमें सिर्फ ब्रिक ब्रिक है, जैसे आप एक फोटो में देख रहे हैं, एक वॉल हो गया आपका ब्रिक ब्रिक, ठीक है, एक वॉल में हो गया ब्रिक प्लस मोटार, तो आप क्या करिए, ब्रिक प्लस मोटार में से ब्रिक को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, मोटार, तो जस्ट हम यहाँ पर वही करेंगे। तो हम वेट कंडीशन में, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हमारा मोटार आता है, हम वेट कंडीशन निकालते हैं, ठीक है, फिर उसको हम ड्राई में कन्वर्ट करके उसका एक्चुअल इस्टीमेट निकालते हैं, मतलब कि क्वांटिटी निकालते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाया, आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपका वॉल क्या है, कितना वॉल का साइज है, तो अपना वॉल साइज हमारा 1 MQ है। अब आपने क्या किया, माइनस किया, माइनस करने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, कितना हमारा पूरा ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो तो 1 है, एक हमारा वॉल्यूम हो गया, अब इसमें को क्या करना है, माइनस करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू विदाउट मोटार, क्योंकि ये जो हमारा वॉल्यूम आया हमको पता है जो हमारा 509 है, ये किसके साथ है, मोटार के साथ है, ठीक है, अब विदाउट मोटार के साथ माइनस कर दो, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ हमारा क्या निकल जाएगा, मोटार की क्वांटिटी। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किससे, विदाउट मोटार वाले से, ये अब ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे और इंटरप्रेस करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल गया, वेट कंडीशन में, ठीक है, आप इसको समझिएगा। आप यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, यहाँ पर या डबल क्लिक भी करेंगे तो फॉर्मूला दिख जाएगा, साइट पर जाकर आप ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब ड्राई कंडीशन में निकालने के लिए हमको जस्ट क्या करना है, इक्वल टू का साइन, मोटार के केस में हम 1.33 का कैलकुलेट करेंगे और इंटरप्रेस कर दिया, ठीक है, अब ये हमको पता चल गया, हमारा ड्राई वॉल्यूम पता चल गया हमको किसी मोटार की क्वांटिटी की। अब हमको निकालना है सीमेंट एंड सैंड, तो काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है सैंड सीमेंट कैसे निकालते हैं, ये जस्ट जैसे हमने प्लास्टर का कैलकुलेट करते हैं ना, ये उसी तरह निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे MQ में, ठीक है, MQ में निकालने के लिए क्या करना है, सॉरी तो एक फॉर्मूला और छूट रहा है हमारा सम, ये जो हमारा सम है, क्योंकि रेशियो भी कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 1:6 का ही लोग रेशियो यूज़ करें, तो आप यहाँ पर भी क्या करिए, इक्वल टू का साइन करिए, इस अपना ये सीमेंट का रेशियो लिया, प्लस कर दिया क्या, सैंड का रेशियो और इंटर, तो अब यहाँ पर जो भी रेशियो डालेगा तो उसका सम आ जाएगा। जैसे 1:4 का निकालना है तो 1:4 का निकालेंगे तो सम ऑफ क्या आया, 5, यानी दोनों को जोड़ दिया। अभी सम ऑफ 5 कहाँ यूज होगा, यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, लिया कहाँ से, वेल सीमेंट निकाल रहे हैं तो सीमेंट का क्या हमारा रेशियो है, सीमेंट का हम रेशियो ले रहे हैं 1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो क्या हमारा 5, फिर इसको बंद करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम क्या है हमारा, ड्राई वॉल्यूम है ये रहा, तो ये हमारी किसकी क्वांटिटी निकल गई, सीमेंट की निकल गई क्यूबिक मीटर में। अब आपको केजी में निकालना है, जो भी हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आया उसे सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, सीमेंट का वॉल्यूम कितना आया हमारे यहाँ से पता चल गया, इसे मल्टीप्लाई कर दें क्या, 1440 का, 1440 क्या है, सीमेंट की डेंसिटी है, 8.2 kg आ गया। अब बैग्स में कन्वर्ट करना, तो हमको पता है कि एक बैग हमारा कितना होता है, 50 kg का होता है, जस्ट इसको लिया, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, ये वैल्यू उठाई और डिवाइड कर दिया 50 से और इंटरप्रेस कर दिया, तो 1.7 बैग अप्रॉक्स, मतलब 2 बैग आप मान सकते हैं, वेस्टेज को भी काउंट कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह सैंड का निकालेंगे, अब सैंड का निकालने के लिए क्या है हमको, इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट, अब सैंड का रेशियो लेंगे, सैंड का रेशियो क्या है, 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉल्यूम से, ये रहा हमारा वॉल्यूम, तो ये हमारा निकल गया क्यूबिक मीटर में क्या निकल गया, सैंड, अगर CFT की बात करें, ठीक है, क्योंकि सैंड कोई बैग में नहीं आती है, ठीक है, तो क्यूबिक मीटर में आता है या तो CFT में आता है। CFT में निकालने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा क्यूबिक मीटर है,
हमने सेम यहाँ वैल्यू उठाई क्यूबिक मीटर को, ये यहाँ से, और इंटू किया किससे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम नहीं करेंगे 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 8.6। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसका आप अगर एक बार बना लिए तो ये 10-5 मिनट का काम है। क्या होता है कि हमको तो पता है कि एक एमक्यू में 500 ब्रिक होती है, लेकिन अगर साइज ही चेंज हो गई या फिर एसीसी ब्लॉक आ गया आपका, एसीसी ब्लॉक काफी बड़े बड़े होते हैं, या कोई हॉलो ब्रिक आ गया, वैल्यू डालने के बाद उसका वॉल्यूम निकलेगा और सब कुछ आपको कन्वर्ट हो जाना। बस आपको क्या करना है, इनपुट अगर करना आपको है ये फाइल उसके चाहिए आपको जो एक्सेल रिक्वायरमेंट मैंने है, डाउनलोड यहाँ की है, पर तो आप पूरी इस रिजल्ट वेबसाइट पे आपको दिखाई जाएंगे, देंगे। वेबसाइट ये जो वेबसाइट दिख रही है tutorialtipscivil.com, इस पर आप जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो करके जाएंगे। तो ये मेरी वेबसाइट है कुछ, ठीक है। ये जो आप अभी होम पेज देख रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि लोगों की सर्च के अकॉर्डिंग। तो आपको शायद यहाँ पर ये ब्रिक वर्क कैलकुलेशन विथ मोर्टार ना मिले, तो आप यहाँ पर बेसिक में जाएंगे, इस्टीमेट में जाएंगे। इस्टीमेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर आप इस फाइल को क्लिक करेंगे, ये जो पोस्ट है मेरा ब्रिक वर्क कैलकुलेशन मोर्टार, इसमें जाने के बाद सबसे नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर पूरा मैनुअल कैलकुलेशन देख सकते हैं अगर मैनुअल आपको सीखना है तो, ठीक है। वहाँ से आने के बाद सबसे लास्ट में आपको ये एक्सेल शीट की फाइल दिख जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग या एक्सेल या मेरे जितने भी वीडियो उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बीबीएस बनाना बताऊंगा आपको कॉलम और बीम के बारे में, कि आपको बस डालना रहेगा कि हमारा कॉलम का साइज़ या फिर बीम का साइज़ या फिर फुटिंग साइज़ क्या है। फुटिंग हमने डाल दिया 5 मीटर बाई 4 मीटर का हमारा फुटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बांस डालेंगे कि भाई उसका कटिंग लेंथ मतलब बीबीएस जिसको बोलते हैं वो बीबीएस वहाँ कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपके पास कॉलम है तो कॉलम अगर आप इतना बड़ा है तो उसमें एल कितना काउंट होगा, उसका बैंड कितना माइनस होगा, ये सब कुछ आप एक चुटकियों में कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।